और अब बड़ी खबर, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री विवाद के बीच अमेरिका का बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। मैं उस डॉक्यूमेंट्री से परिचित नहीं हूं, लेकिन जीवंतः लोकतंत्र के मूल्यों से परिचित हूं। ये जो जवाब है वो पाकिस्तानी पत्रकार के पूछे जाने के बाद यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के प्रवक्ता नेट प्राइस ने दिया है। अब इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा चलते हैं हमारे सहयोगी शेखर जी के पास। जी शेखर जी, लगातार जो भारत सरकार है उसने भी प्रतिक्रिया अपनी दे दी है ये पूरे बीबीसी जो विवाद जो यहां पर चल रहा है, अब इस पर अमेरिका की तरफ से बयान निकलकर सामने आ गया है, कितना ये अहम माना जा रहा है? बिल्कुल चेतन, लगातार बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर जो विवाद है वो बढ़ता जा रहा है। कई ऐसे खेमे हैं जो इस डॉक्यूमेंट्री के नाम पर राजनीति भी कर रहे हैं और कई ऐसे खेमे भी हैं जो लगातार इस पर बयानबाजी कर रहे हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी खुलकर इस मामले में बोल रही है। इसके अलावा एक वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, प्रशांत भूषण, जो कि पहले नेता भी रहे, वो इस मामले को लेकर लगातार ट्वीट कर रहे हैं, लोगों को ये एक तरीके से राय भी दे रहे हैं कि इस डॉक्यूमेंट्री को कहां पर देखा जा सकता है। इसके अलावा भी हैदराबाद में भी इस डॉक्यूमेंट्री की बाकायदा एक यूनिवर्सिटी में स्क्रीनिंग भी की गई है। लेकिन इस तरह के तमाम विवाद के बीच कहीं ना कहीं मौका जो है वो पाकिस्तान को मिला है कि दोबारा से हिंदुस्तान में या भारत में जो है हिंदू और मुस्लिम के मामले को तूल दिया जाए और दुनिया में एक ऐसी छवि पेश की जाए, खासतौर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। लेकिन इस छवि के बीच में अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो दूसरे देश हैं वो इस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, ये एक बड़ा सवाल बन जाता है। और इसे ही लेकर अमेरिका का रिएक्शन आया है। दरअसल पाकिस्तान के पत्रकार ने अमेरिका में जो कि जो यूएस का स्टेट डिपार्टमेंट है उसके जो स्पोक्स पर्सन है नेट प्राइस, उनसे सवाल पूछा था कि बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री आई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, भारत के प्रधानमंत्री को लेकर, इस पर अमेरिका का क्या रुख है। तो इसी पर नेट प्राइस ने बहुत खुलकर जवाब दिया है और एक ऐसा जवाब दिया जो मुमकिन है कि पाकिस्तान समेत तमाम उन कट्टरपंथियों को शायद पसंद ना आए जो वो सुनना चाहते हो। ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा, बल्कि उन्होंने भारत और अमेरिका की जो साझेदारी है, लोकतंत्र की जो एक खूबसूरती है, उन दोनों को बताने की कोशिश की है। हूबहू उनका बयान क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। चेतन, उन्होंने कहा है कि मैं बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से परिचित नहीं हूं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, मैं उन साझा मूल्यों से बहुत परिचित हूं जो संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत को दो संपन्न जीवंत लोकतंत्रों के रूप में जोड़ते हैं। साथ ही चेतन उन्होंने ये भी कहा है कि मैं उन साझा मूल्यों से बहुत परिचित हूं जो भारत के साथ अमेरिका की वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करते हैं, जिसमें राजनीतिक, आर्थिक और असाधारण रूप से गहरे लोगों के बीच संबंध शामिल है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मैं मोटे तौर पर जो कहूंगा वो ये है कि ऐसे कई तत्व हैं जो वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को रेखांकित करते हैं जो हमारे भारतीय भागीदारों के साथ हैं, हमारे घनिष्ठ राजनीतिक संबंध हैं, हमारे आर्थिक संबंध हैं। तो कुल मिलाकर उन्होंने हर तरह की साझेदारी की बात करते हुए ये कोशिश की है बताने की कि किसी भी मुद्दे पर अमेरिका जो है वो भारत के साथ खड़ा हुआ है। हालांकि जो बड़ी बात है वो इस डॉक्यूमेंट्री की टाइमिंग को लेकर है। जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है, चैप्टर क्लोज हो गया है, केस जो फाइल जो केस की फाइल थी वो क्लोज हो गई है, कहानी खत्म हो गई, दोबारा से इन मुद्दों को उठाने के पीछे इरादा क्या है। लेकिन अमेरिका का बयान यहाँ पर काफी मायने रखता है। चेतन जी बहुत धन्यवाद सर आपको जुड़ने के लिए। तो ये पूरा मामला अमेरिका तक जा पहुंचा और अमेरिका ने भी इस पर बयान दिया है। यूएस स्टेट प्रेसिडेंट जो स्पोक्स पर्सन है डिपार्टमेंट के, उन्होंने ये पूरा बयान दिया है पाकिस्तान के सवाल पूछे जाने के बाद।